सब्सक्राइब करें वीके हिंदी वर्ड चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, किसान कर्ज माफी को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज हमारे सामने आई है, जो भी दोस्तों 6 जनवरी की लेटेस्ट न्यूज है। और दोस्तों, ये पूरा प्रूफ के साथ है, आप अपने घर के अखबार में भी इसको देख सकते हो। तो हम आपको जो कर्ज माफी को लेकर जो किसानों के लिए जो नई न्यूज आई है, लेटेस्ट न्यूज, तो गाइस हम आपको वो न्यूज बता देते हैं कि भाई क्या इन्होंने नई घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सामने कि भाई आत्महत्या कर चुके किसानों के सभी कर्ज होंगे माफ। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ चेंज किए हैं नियम, तो हम आपको वो नियम बता देते हैं आगे चल के। तो दोस्तों, ये राजस्थान पत्रिका का है 6 जनवरी का अखबार, इसमें लिखा हुआ है कि भाई कर्ज माफी योजना में सरकार ने एक और घोषणा की है, आत्महत्या कर चुके किसानों के कृषि मद के सभी सरकारी कर्ज माफ होंगे। यह घोषणा कर्ज माफी की रूपरेखा तैयार करने वाली कमेटी की संयोजक नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने की है। उन्होंने कहा है, जिन किसानों ने उपज का उचित दाम नहीं मिलने के कारण आत्महत्या की, वे मामले इसमें शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो आत्महत्या कर चुके किसान भाई थे, उनको दोस्तों उनकी कोई सुन ही नहीं रहा था, उनका कहीं पर नाम ही नहीं आ रहा था। जो कर्ज लेकर किसान बैठे थे, बस उन्हीं उनके नाम चल रहे थे। उनके अनुसार हाड़ौती क्षेत्र में ही 70 किसानों ने आत्महत्या की है। अब दोस्तों, इसमें आगे भी है, कर्ज माफी की पात्रता तय करने के लिए शनिवार को कमेटी बैठक बुलाई गई थी। इसमें नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के अलावा मंत्री प्रसादी लाल मीना, न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, ये दोस्तों सभी लोग इसमें शामिल थे बैठक में। अब दोस्तों, हम आपको जो इनकी बैठक हुई थी, जो राजस्थान पत्रिका का अकॉर्डिंग जो खबर आई है, तो दोस्तों बैठक में अहम मुद्दा रहा है कि कर्ज माफी का क्रियान्वयन आम चुनाव की आचार संहिता से पहले हो। जी हाँ दोस्तों, जो भी कर्ज माफी, जो आत्महत्या कर चुके किसान भाई, उनका जो कर्ज माफी का जो इन्होंने घोषणा की है, तो वो है भाई जो अब लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है अभी 3 महीने बाद, तो इसकी जो आचार संहिता लगती है ना, जो चुनाव से पहले आचार संहिता लगेगी, तो दोस्तों आचार संहिता से पहले ही पहले जो आत्महत्या कर चुके किसान है, इनको राशि दे दी जाएगी। भाई इसके अकॉर्डिंग जो इसमें खबर दी है, इसमें लिखा है कि भाई तय हुआ कि आचार संहिता से पहले प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी बैठक में जो आत्महत्या कर चुके किसान भाई है, उनका कर्ज माफ करने का, उनका पैसे डालने की इन्होंने योजना बना ली है पूरी लोकसभा चुनाव से पहले पहले। अभी दोस्तों, जो इनके पास जो समस्या आ रही है, हम आपको वो भी बता देते हैं कि भाई बजट का नहीं निकला हल। कर्ज माफी में सबसे बड़ी मुश्किल बजट की है। भाई कर्ज तो माफ ये हो जाता अब तक कब का है, लेकिन बजट भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम है। सहकारी बैंक के सभी अल्पकालीन कृषि ऋण तथा राष्ट्रीयकृत बैंक के डिफॉल्टर के लोन माफ करने की घोषणा सरकार कर चुकी है। इसमें करीब 18,000 करोड़ का भार बताया जा रहा है। सहकारी बैंकों के पास बजट नहीं है, सरकार इसका हल तलाश रही है। कर्ज माफी में जो बजट चाहिए, उसकी भरपाई कैसे होगी, इस सवाल का जवाब वित्त विभाग के पास भी नहीं था। इसलिए दोस्तों, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। भाई कर्ज माफी तो कर दे, लेकिन बजट कहाँ से आए और कैसे पैसों की आपूर्ति हो, कहाँ से पैसा लेकर आए। तो दोस्तों, ये जो तीनों स्टेट है, इसमें ही दोस्तों इन सभी के कर्ज माफ होंगे या फिर ये दोस्तों टाइम लगेगा। इसमें अभी जो बैठक हुई है, इसमें दोस्तों भी थोड़ा और भी इसमें है भाई, इस पर अगली बैठक 10 जनवरी को भी तय की गई है। भाई जो किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा चल रहा है, ये दोस्तों सुलझने में आ ही नहीं रहा है, तो इसकी बैठक दोबारा 10 जनवरी को भी होगी। उसमें देखते हैं दोस्तों क्या हल निकलता है किसान कर्ज माफी को लेकर। इसमें अधिकारी कर्ज माफी में खर्च होने वाले बजट की वसूली के विकल्प सुझाएंगे कि भाई किसान कर्ज माफी हम कर तो रहे, इसका पैसा कहां से लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इसकी 10 जनवरी को दोबारा बैठक हो रही है कि भाई क्या महंगाई बढ़ाएंगे या फिर कोई पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, तो दोस्तों अभी कुछ पता नहीं, अभी देखते हैं। आप वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, और ये जो भी खबर आई है राजस्थान पत्रिका के 6 जनवरी का जो पेपर है, उसमें फर्स्ट सेकंड नंबर के पेज पर आई है, आप अपने अखबार में भी ये खबर देख सकते हो दोस्तों, पूरा प्रूफ के साथ है ये। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो के साथ बने रहे, और दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिल गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें,
और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दे। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।